ओके तो गाइस आज हम बनाएंगे एक सिंपल बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ऑब्सीडियन फार्म को। तो वैसे के लिए माइनक्राफ्ट में तीन तरीका होता है ऑब्सीडियन लेने का। पहला, आप माइनिंग पे चले जाओ एक बकेट पानी को लेके, या फिर चले जाओ किसी रिवीन में तो वहां आपको लावा मिल जाएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, आप सिंपली अगर पानी के ऊपर मतलब लावा के ऊपर पानी डालोगे तो वो ऑब्सीडियन बन जाएगा, तो वहां से आप इजीली ऑब्सीडियन को ले पाओगे तोड़ के। दूसरा, इसके लिए आपको जाना होगा नेदर में और फिर पिगलिन के साथ ट्रेडिंग करना होगा और इसी बीच वो आपको ऑब्सीडियन दे देगा, बट इसमें आपको चाहिए होगा गोल्ड और कभी कभार पिगलिन मतलब ऑब्सीडियन को ड्रॉप करने में भाई महीनों लगा देता है भाई। तीसरा, इसके लिए आपको जाना होगा एंडर वर्ल्ड में और फिर एंडर ड्रैगन को मारना होगा, उसके बाद ही वहां से ऑब्सीडियन के पिलर को तोड़ के ऑब्सीडियन ले पाओगे बिना किसी परेशानी के। बट इसमें आपको काफी दिक्कत होगी क्योंकि वहां एंडर में चारों तरफ घूमता रहता है, तो भाई आप परेशान हो जाओगे उससे। और फिर ऑब्सीडियन लेते लेते भाई अगर नीचे आ गए ना तो भाई आपको फिर से ऊपर चढ़ के आपको फिर से नीचे आना होगा मतलब तोड़ तोड़ के। और फिर अगर आपने ऑब्सीडियन को कलेक्ट करते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भाई आप वॉइड में भी गिर सकते हो। खैर ये सब तरीका ना बहुत ट्रिकी है, इससे बेहतर इस फार्म को ही बना लो। तो इस फार्म को बनाना और यहाँ से ऑब्सीडियन लेना दोनों ही बहुत सिंपल है, बस वीडियो को अच्छे से देखो और फिर इसे बनाओ। और ये फार्म माइनक्राफ्ट के हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करेगा, लाइक एमसीपी, बेडरॉक, एक्सबॉक्स, PS4, विंडोज 10। और इस फार्म को बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए होगा उसका एक लंबा लिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एक बार जाके देख लेना। तो ओके तो चलो अब इसे बनाते हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ के चार ब्लॉक्स को हटाओ, फिर यहाँ रखो एक चेस्ट और क्राउच होके एक हॉपर जो चेस्ट से जुड़ेगा, फिर हॉपर के ऊपर रखो रेल और ठीक यहाँ पे रखो एक स्लैब और यहाँ हॉपर माइनकार्ट, उसके बाद यहाँ रेडस्टोन डस्ट, यहाँ सॉलिड ब्लॉक, यहाँ एक रेडस्टोन रिपीटर और यहाँ एक सॉलिड ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक दे के यहाँ पे लगाओ एक रेडस्टोन टॉर्च और इसके ऊपर एक सॉलिड ब्लॉक और यहाँ रेडस्टोन डस्ट और यहाँ एक डिस्पेंसर, उसके बाद यहाँ पे लगाओ एक बटन, देख लो कहाँ पे बटन को लगाना होगा। फिर यहाँ के दो ब्लॉक्स को हटाओ और हटाओ इस ब्लॉक को और लगाओ यहाँ एक लीवर और करो इसे ऑन और फिर यहाँ पे ब्लॉक दे के इसको कवर कर दो। ओके तो अब क्राउच होके लगाओ एक हॉपर जो डिस्पेंसर से जुड़ेगा और फिर उसके ऊपर क्राउच होके डबल चेस्ट और फिर ठीक यहाँ पे डालो पानी, तो हॉपर माइनकार्ट के नीचे का जो रेल है ना वो ऑटोमेटिकली चेस्ट के अंदर आ जाएगा, तो चाहो तो आप यहाँ पे चेस्ट दे सकते हो या फिर छोड़ देना। खैर तो अब होना है आपको क्राउच और रखना है यहाँ पे एक टेम्पररी ब्लॉक, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाना है फार्म के बैक साइड पे और यहाँ पे आके यहाँ के 6 ब्लॉक्स को हटाना होगा, उसके बाद इसको 2 ब्लॉक्स गहरा बनाना होगा। तो ये टेम्पररी ब्लॉक अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे तो ये पानी जो है ना वो सिस्टम को बिगाड़ देगा। खैर तो अब यहाँ के 3 ब्लॉक्स को हटाओ और यहाँ के 2 ब्लॉक्स को, फिर यहाँ रखो एक सॉलिड ब्लॉक और यहाँ पे ऐसे करके लगाओ एक रेडस्टोन टॉर्च को, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक मतलब जहाँ हॉपर है उसके नीचे और फिर यहाँ पे रखो एक ऐसे करके हॉपर को जो सीधा ब्लॉक से जुड़ेगा, फिर इस ब्लॉक को ही हटा दो और यहाँ पे रखो एक चेस्ट और यहाँ पे एक हॉपर जो सीधा चेस्ट से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे रखो 2 सॉलिड ब्लॉक और यहाँ पे एक और ब्लॉक देने के बाद यहाँ पे ऐसे करके रखना है एक रेडस्टोन कंपैरेटर, फिर यहाँ पे आपको देना है 2 रेडस्टोन डस्ट और यहाँ पे आपको ऐसे करके रखना होगा एक रेडस्टोन रिपीटर को। और अब सॉर्टिंग करने के लिए आपको 4 ऐसे आइटम को चुनना होगा जो इससे इस फार्म से कोई रिलेट ही ना करता हो, जैसे कि मैं ब्लेज रॉड को ले रहा हूँ तो आप ऐसे कुछ भी चीजों को ले सकते हो और उसको नाम दे देना होगा। तो जैसे कि मैं सब्सक्राइब नाम दे रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ओके तो अब मिडिल के हॉपर के अंदर यहाँ पे पहले रखो एक खाली बाल्टी और बाकी में रखना है आपको सब्सक्राइब वाला आइटम को जो आपने चुना होगा और बस हमारा काम हो चुका है। अब बस हमें चाहिए होगा थोड़ा सा लावा और इसके लिए 1.78 में अनलिमिटेड लावा फार्म भी आप बना सकती हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो तो आपको लावा फार्म का वीडियो भी दिख जाएगा। तो लावा बकेट को रखना होगा इस चेस्ट के अंदर, जितना आपके पास है उतना रख दो ठीक है। ओके तो अब आपको चाहिए एक पिकैक्स, नेदरराइट का होगा तो और भी अच्छा है, डायमंड का होगा तो भी अच्छा है, बट उससे कम होगा तो भाई अच्छा नहीं है क्योंकि आप ऑब्सीडियन को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। खैर तो जो भी पिकैक्स है नेदरराइट या फिर डायमंड, तो उसमें एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग 3 लगा लेना, इससे आप जल्दी जल्दी ऑब्सीडियन को तोड़ पाओगे। और अगर आपको और भी ज्यादा तेजी के साथ ऑब्सीडियन को तोड़ना है तो आपको इसके लिए आपको चाहिए होगा बीकन, तो इसके लिए आप बीकन से हेस्ट एबिलिटी को एक्टिव कर लेना, इससे आप और भी ज्यादा तेजी से ऑब्सीडियन को तोड़ पाओगे। तो अब यहाँ 1, 2, 3 इसे हटाओ और यहाँ से आप कंटिन्यू ऑब्सीडियन को तोड़ पाओगे, इतना दूर इसलिए ताकि ऑब्सीडियन को तोड़ते तोड़ते आप डिस्पेंसर को यहाँ तोड़ दो।
तो ये देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑब्सीडियन, और जो खाली बकेट है ना वो वेस्ट नहीं होगा, वो सारे आपको मिल जाएगा फार्म के पीछे साइड, मतलब ये वाला जो चेस्ट देख रहे हो ना इसके अंदर आपको वो सारे के सारे जो मतलब खाली बाल्टी है या फिर खाली बकेट है वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो है ना ये कमाल का फार्म, तो आप इसे बना सकते हो और पा सकते हो इन्फिनिट ऑब्सीडियन। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बोलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि बाकी भी इसे बना सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फोड़ देना, क्योंकि मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोस डालता रहता हूं। तो चलो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। Check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle.